अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अर्शीज जोन में आपका खुश आमदीद। जो मैं न्यू वीडियो लेके आई हूँ वो है मिस रोज की, जो है वो मेकअप फिक्सिंग स्प्रे पे। इसकी मैंने अनबॉक्सिंग की थी कि मैंने कहाँ से ऑर्डर किया है, तो चीजों का मैं उस वीडियो का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो वहां से आपके सारे जवाब बात मिल जाएंगे कि मैंने कहां से परचेज किया है। अच्छा जी, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, इससे मेरी वीडियोस जो न्यू आएंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। अच्छा, वीडियो जो है ये मिस रोज पे है फिक्सिंग स्प्रे। देखिए, मैंने ये इतना यूज किया है तभी जाके आपको मैं रिव्यू दे रही हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी चीज का आपको रिव्यू दूं वो मैं खुद यूज कर रही हूँ तभी जाके मैं आपको इसका रिव्यू दूं, ताकि आपके लिए भी फायदेमंद हो। अगर आप पैसे लगा रहे हो तो किसी अच्छी चीज पे ही जाया करो, मतलब अच्छी चीज जाया करनी होगा, अच्छी चीज पे ही इन्वेस्ट करो ताकि वो जाया ना जाए। ये बात थी। तो इसका जो मेकअप फिक्सर है इसमें जो है वो एलोवेरा विद विटामिन ई है इसमें, और ये 100 ml की बोतल में आता है, और इसकी बोतल जो है वो प्लास्टिक बोतल है। इसमें स्प्रे टाइप बोतल है जिसको यूज करना बेहद इजी है, और ये आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना देता है। ठीक है, बहुत ज्यादा जो है वो अगर आपने मेकअप किया है जो कि अगर उसकी बेस का टाइम जो है 1 घंटा है, फर्ज करें 1 घंटा आपने मेल लगा दिया, इसकी मदद से आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। जो 1 घंटा गुजारेगा वो आपके 3 घंटे 4 घंटे भी निकल सकते हैं। अच्छा, इसकी बैक साइड पे जो है वो यूजेज और डायरेक्शंस लिखी हुई हैं, इधर इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं। अच्छा, यूजेज में लिखा हुआ है मेकअप फिक्सर जो है, मैं आपको बताती हूँ कि ये जो है अगर आप इसको प्रेस करते हो, मतलब अपने फेस पे मेकअप के बाद स्प्रे करते हो, तो आपके गलती से अगर हाथ लग जाता है या कोई टिश्यू लग जाता है तो उससे आपका मेकअप रिमूव भी नहीं होगा और ज्यादा देर तक स्टे करेगा। अच्छा, तो आपने जो है इसको यूज करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ क्या है। एक, आप इसको यूज कर सकते हो जब आपने बेस लगाई, ठीक है, सिर्फ बेस। बेस से पहले आपको जो है वो हमेशा की तरह, जैसे मैं बताती हूँ, अगर किसी की ड्राई स्किन है तो उसको अच्छे से अपनी स्किन को प्रेप एंड प्राइम करना चाहिए, यानी कि अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाया, ऊपर प्राइमर लगाया, देन अपने अपनी फाउंडेशन लगानी है। अगर किसी की ऑयली स्किन है तो वो सिर्फ प्राइमर के बाद ये अपनी बेस लगा सकती है। खैर, तो बात करते हैं कि आपने इसको यूज कैसे करना है। आपने अपनी बेस लगाई, बेस के बाद भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो जिससे आपकी बेस जो है वो ज्यादा देर तक स्टे रहे। एक, आप तब भी यूज कर सकते हो। दूसरा, जब आपने फुल अपना मेकअप कर लिया उसके बाद भी आप इसको यूज कर सकते हो अपने मेकअप को स्टे करने के लिए। और इसको मेकअप को स्प्रे को यूज कैसे करना है, यूज ऐसे करना है कि ये आपका फेस है, ठीक है, आपने डिस्टेंस से इसको स्प्रे करना है, अपने फेस को इधर से नहीं स्प्रे करना, आपने इधर से स्प्रे करना है, ऐसे इतना स्टिक इतना दूर से करना है कि आपके फेस पे इसकी छींटे जो हैं वो आ जाएं, यानी कि इतना हो जाए कि बेचारे फेस को जाने का मौका ही ना मिले इस स्प्रे को। तो इतना फर्ज करें आपने डिस्टेंस से इसको स्प्रे करना है, ठीक है। ऐसे करेंगे तो ये देखें ज्यादा आ रहा है पानी, तो इधर करेंगे ये देखें सिर्फ थोड़ा थोड़ा आ रहा है, और दूर से आपका इसको यूज करना है हमेशा। बाकी बात करते हैं कि आपको कहाँ से मिलेगा। ये आपको किसी भी ऑनलाइन शॉप से भी मिल जाएगा, ऑनलाइन शॉप से मिल जाएगा, लोकल मार्केट से भी मिल जाएगा, दराज पे ये अवेलेबल होगा, और इंस्टाग्राम पे काफी पेजेस हैं मैंने देखे हैं वहां ये अवेलेबल है। मैंने जो है ये ऑनलाइन मंगवाया है अली एक्सप्रेस से। तो ओवरऑल मैं आपको ये रिकमेंड करती हूँ, अगर आप लेना चाहें अच्छा फिक्सिंग स्प्रे तो ये आप ले सकते हैं। तो वीडियो को बंद करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं मेरी नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वही आपने करना है जो हमेशा मैं बोलती हूँ, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करो यार, कुछ भी नहीं होता, सही बात है, नहीं बिल आता यार, कर दिया करो। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।